गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2C को डील करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2C को, इसमें बच्चों कुछ प्रॉब्लम है उसे आज हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या कीजिए, आप अपना अपना कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। ठीक है, कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। पिछले क्लासों में हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट करने के लिए सीख चुके थे, है ना, सब्सट्रैक्ट करने के लिए सीख चुके थे। लेकिन अगर कुछ कहता है ना, सब्सट्रैक्ट द फ्लोबिंग एंड चेक आंसर, यानी कि आप लोग को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट तो करना ही है, यानी घटाना तो है ही, लेकिन आप लोग का जो आंसर आएगा उसको चेक करना है कि आपका बनाया हुआ सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1, 10, 100, 1000, ये आप लोग का एक्सरसाइज 2G का फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2G का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसे हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1, 2, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1, 6 में से 3 जाएगा, 3। मान लीजिए ये मेरा आया आंसर। अब ये हमें नहीं पता है कि मेरा बनाया हुआ गलत है या सही है। अगर सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कैसे गलत है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं, मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि एक आप बोल रहे हैं कि सही है, एक बोल रहा है कि नहीं गलत है, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, उसे समझाएंगे कैसे, उसे बताएंगे कैसे कि हाँ बनाया हुआ सही है या गलत है। तो इसके लिए हम लोग एक नियम है उसको चेक कर किया जाता है। चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि बनाया हुआ सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा चेकिंग आंसर, चेकिंग आंसर, चेकिंग आंसर, आंसर को अब चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो आप लोग 1, 10, 100, 1000 लिखते हैं उसे लिख दीजिए, 1, 10, 100, 1000 लिख दिए बच्चों। अब क्या कीजिए, इसमें से ये जो आप लोग का आंसर आया है उसे लिख दीजिए, आंसर को लिख देते हैं, लिख दिए आंसर जो आया हमने लिख दिया ना बच्चों। अब क्या कीजिए, या इन दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दीजिए आप लोग, कोई भी एक संख्या। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कोई भी इस नंबर को क्या करेंगे, नोट कर देंगे। चलिए मान लीजिए हम इसको लेते हैं, अगर हम इसको रखेंगे यहाँ पे तो ऊपर वाला आना चाहिए, अगर ऊपर वाला इसको रखेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, यानी कि हर हाल में आप लोग का इस तरह से आना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो हम माइनस किए हैं उसी को हम लोग ऐड करके देखते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए 4, 2, 6, 3, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 5, 4, 7, 6, देखिए यही से मैच कर रहा है, यानी कि हम लोग का बनाया हुआ क्या है, मैच जो है वो सही है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है बच्चों, एक सब्सट्रैक्ट कर लेना है, और जिसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है उसको क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिख देंगे, और जिसको घटा रहे थे, जो आंसर आया मेरा उसको ऊपर लिख देंगे, और जिसको घटा रहे थे उसको उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग घटा रहे थे किसको, 3624 को घटा रहे थे, तो इसको इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, जो अगली संख्या होगी वो प्राप्त हो जाएगी। देख रहे हैं आप लोग आ क्या। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, 1000, 10, 1। 1000 में क्या है बच्चों, 4035, उसके बाद है 2402, इसको माइनस कीजिए। सबसे पहले माइनस करते हैं तो आ जाएगा कितना हमारा, 3, 3, 3, 3। अच्छा बच्चों अब देखिए यहाँ 0 ज़्यादा होता है या 4 ज़्यादा होता है, वैल्यू किसका ज़्यादा है, 4 का ना, क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा, यहाँ से 1 हमको लेना होगा, तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 4 जाएगा क्या बचेगा बच्चों, 6, है ना। यहाँ कितना बच गया बच्चों, देखिए दिखाई दे रहा है कितना हम लोग को, 4, है ना, 4 दिख रहा है, लेकिन 4 इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 तो यहाँ से ले चुके हैं, तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया है, 3, तो 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, चेकिंग आंसर ऊपर लिखा हुआ है ना, आंसर चेकिंग करते हैं।
हैंड टेन वंस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, पहले जो घट ये आया है जो घट का आंसर, इसको है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1633। और जो हम लोग घटा रहे थे यानी कि ये संख्या को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, इसको लिख देते हैं 2402। और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे 5 3 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 10, 10 का 0 बचेगा कितना बच्चों, 1, है ना। 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 3 और 1 4, देखिए ऊपर वाला आ गया, यहां से मिलाइए, देखिए आया, यानी कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि बनाया हुआ गलत है या सही है। चलिए हम लोग आप गलत करके देखते हैं, मानते हैं कि एक गलत कर लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर आता है, गलत करने पर भी आ जाता है क्या, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए कि है 1 10 100, 100 तक ही लेते हैं, 245 में हम लोग को घटाना है 122 को ही घटाना है, मान लीजिए सिंपल सा बिल्कुल, तो 3 यहाँ मान लीजिए हम गलत घटा के लिख देते हैं, यहाँ भी मान लीजिए हम घटा के लिख दिए 3, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिए 1, हमें पता है कि ये बनाया हुआ गलत है, ठीक है, हम लोग केवल चेक कर रहे हैं कि चेकिंग भी किया हुआ सही रहता है या नहीं, मान लीजिए गलत बन गया, अब चेक करते हैं हम लोग क्या करें, चेक करें, चेकिंग करते हैं इसको, देखिएगा जो आया है सबसे पहले हम लोग उसको लिख देंगे, आया है क्या 331, और जो घटाया है उसको लिख देंगे, ये घटा रहे थे हम लोग तो इसको लिख देंगे 221। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग 552, क्या बच्चों आया, देखिए इससे मैच हो रहा है क्या, मैच नहीं ना हो रहा है, यानी कि ये बनाया हुआ क्या है, गलत है ना। चलिए अब इसी को हम लोग सही करते हैं, 1 10 100 245, घटाना था 122, घटाइए इसको, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 321, ठीक है, यही आएगा ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो 110 घटने पर कितना आया बच्चों 123 आया है। अब जो घटा रहे थे उसको ऐड करेंगे, हमेशा याद रखिए बच गया बच्चों, जिसको हम लोग घटाते हैं उसी को जोड़ते हैं, जिसको घटाते हैं उसी को जोड़ते हैं, जैसे इसमें किसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं ना, इसको घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको घटा रहे हैं तो इसी को जोड़ेंगे, तो 122, इसको ऐड कीजिए आप लोग, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 5, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब देखिए मिल रहा है इससे, यानी कि ये बनाया हुआ मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैथ को हम लोग यानी कि सब्सट्रैक्ट को चेक कर सकते हैं कि बनाया हुआ गलत है या सही है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इधर मैथ लिख लेना है एक तरफ कॉपी में, और एक तरफ क्या करना है, इधर लिख देना है चेकिंग, मैथ बनाना है, आपने आंसर को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। यानी कि केवल मैथ बना लीजिएगा, सब्सट्रैक्ट और छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में ही देखिए लिखा हुआ है कि लिखा हुआ था क्या, सब्सट्रैक्ट द फ्लोबिंग एंड चेक द आंसर, यानी कि बनाना है और बनाकर क्या करना है, अपने आंसर की जांच करनी है आप लोग को, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका होमवर्क में आप लोग क्या कर लीजिएगा, होमवर्क एक्सरसाइज 2G का आप लोग, 2G केवल एक ही है, ये 2C में मात्र 6 क्वेश्चन है बच्चों, उसको आप लोग पूरा डील करके आइएगा। तो आप लोग का मैथ में हो गया एक्सरसाइज 2G और मेक इन कॉपी, आप लोग को सभी मैथ बना लेना है किस चीज में बच्चों, कॉपी में, ओके।